गुंडापांडे थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर कटई प्रथमा बैंक वाले रोड पर सड़क किनारे खड़े हरे भरे पेड़ों को काट डाला। सूत्रों की माने तो कुछ अवैध कॉलोनी निर्माण ऑर्गेनाइजरों ने कुछ जमीन बाकी खरीदकर उसमें प्लॉटिंग करने की नीयत से वहां सड़क किनारे खड़े जीवित पेड़ों को बिना किसी की परमिशन के काट डाला। बताया जा रहा है कि इन पेड़ों पर फल आ रहा है, फिर भी इन पेड़ों को जमीन लेने वालों ने जड़ से काट डाला, क्योंकि जिन लोगों ने ये जमीन खरीदी है उन्हें इस जमीन पर जल्द ही प्लॉटिंग करके इस जमीन को बेचकर मोटा मुनाफा कमा के चले जाना है। लेकिन ये बात अभी तक साफ नहीं हो सकी कि काटे गए जीवित पेड़ इन जमीन मालिकों के हैं या वन विभाग के, क्योंकि जिस सड़क किनारे ये पेड़ खड़े हैं वे लोक निर्माण विभाग की सड़क है। हो सकता है ये पेड़ सरकारी हो। अगर ये पेड़ सरकारी भी नहीं तो फल तो आते ही हैं। हरे भरे पेड़ों को बिना वन विभाग की परमिशन के इन लोगों ने इतनी जल्दी में क्यों काट दिया? क्यों नहीं इन लोगों ने इन्हें काटने से पहले वन विभाग की परमिशन ली? जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार लाखों पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण का काम कर रही है, तो वहीं कुछ लोग अवैध कॉलोनी बचाने के लिए इन हरे भरे पेड़ों को बैक ऑफ होकर सरेआम काटकर इन जमीनों को बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे में कई सवाल जिला प्रशासन पर भी खड़े होते हैं। क्यों समय रहते ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं करता? जब ये लोग अवैध प्लॉटिंग करके राजस्व विभाग को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं और मोटा पैसा कमाकर अवैध कॉलोनियां बसा रहे हैं। भावर सिंह ये बताइए, जो ये हरे भरे पेड़ कटे हैं बेल पत्थर के, ये क्या मामला है और ये किसने काटे? ये हमें कोई पता नहीं कितने काटे, पेड़ कट रहे हैं ये हरे। इन पे तो फल आ रहा है नहीं आ रहा? फल आ रहा है सब पे, बेल पे इतने बड़े फल आ रहे हैं। दिखाओ वो पेल बेल बेल उठा कर, बेल पे फल आ रहा है। तो ये नहीं पता काट कौन रहा है? ये हमें कोई पता नहीं काट कौन रहा। अच्छा, जैसे ये सड़क के किनारे हैं बिल्कुल, हाँ। तो क्या ये सरकारी पेड़ थे या किसी के प्राइवेट थे? ये जो ये पता नहीं कि कौन सी, ये जो ये पता नहीं कि ये सड़क की कितनी दूरी पे है या कितनी उस पे है भाई। ये तो दूरी लगाई जाएगी दोनों तरफ, और बाग है इसकी, जो करवट के पेड़ है ये सरकारी है। ये जो है लगभग कितने पेड़ कटे पड़े होंगे यहाँ इस टाइम, जो इस टाइम हरे भरे हैं? हरे भरे पेड़ जो इस टाइम, तो इस टाइम तो चार पांच पेड़ कटे हुए, चार पांच पेड़ कटे हुए। हाँ, सभी काट रहे हैं ये तो। उससे पहले वो कटी है, उससे पहले पलंग कटे हरे भरे। क्या कोई अधिकारी आया देखने? मैं हमारे सामने तो कोई नहीं। अच्छा, ये रास्ता कहाँ जा रहा है यहाँ से? ये रास्ता साउथ नंगला भी जा रहा है। स्कूल है इस रास्ते पे? हाँ स्कूल है। अच्छा, क्या बच्चे इधर से निकल कर आते हैं स्कूल के पढ़ने वाले या और किसी रास्ते से? इससे भी जाते हैं, उससे भी जाते हैं, दोनों रास्ते जाते हैं। और ये बाघ कट जाएगा तो क्या बच्चों को निकलने में परेशानी नहीं पड़ेगी? हाँ, बच्चों को निकलने में तो परेशानी कोई नहीं पड़ेगी यार। तो जैसे धूप पड़ती है? हाँ, धूप पड़ती है तो परेशानी पड़ेगी।